यार आपको पता ही है कि आप अगर कोई फ्रेग्रेंस लगाते हो, मतलब आपके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप की अगर एक स्मेल आती है, तो उससे आपकी इमेज एकदम चेंज हो जाती है। आपने आउटफिट चाहे जो भी पहनी हो, अगर आप स्मेल अच्छा करते हो, अगर आप में से स्मेल अच्छी आती है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। एंड आपको पता ही है, जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनका ऑल्फैक्टरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब कि उनकी स्मेल करने की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए अगर आप में से एक अच्छी स्मेल आती है तो लड़कियां ज्यादा इंप्रेस होंगी। लेकिन अच्छी स्मेल या अच्छी फ्रेग्रेंस का मतलब क्या है, कैसे जज करते हैं, आपको कौन सी लेनी चाहिए आपके हिसाब से, सब बताऊंगा मैं। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू द योर बेस्ट। आई एम सैनकार एंड टुडेस वीडियो इज अबाउट परफ्यूम्स और कलोन्स। एंड गलत परफ्यूम लगा के लोगों के नाक को बर्बाद नहीं करना है, तो प्लीज पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, सारे रूल स्पेशली बहुत ध्यान से सुनना। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर 3 न्यू वीडियोस एवरी वीक, एंड नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। अब यार फ्रेग्रेंसेस में ना लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिओड्रेंट क्या है, परफ्यूम क्या है, EDP, EDT ये सब क्या लिखा होता है। बहुत सिंपल है, डिओड्रेंट होती है आपकी जो एरोसोल वाली, जो एकदम से हवा की तरह निकलती है, वो यूज होती है आपकी बॉडी ओडर को, मतलब कि आपके जो बॉडी में से बदबू आ रही है उसको छुपाने के लिए या उसको कम करने के लिए। उसमें कुछ एंटी परस्पिरेंट भी होती हैं जो आपके स्वेट जहां से निकल रहा है उसको कम कर देती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफ्यूम्स की, मतलब कि कलोन्स की। बेसिकली वो जो आपकी अगर बॉडी में से ओडर नहीं आ रहा, कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही है, आपके नॉर्मल बॉडी की स्मेल या बॉडी ओडर को एनहांस करने के लिए, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्मेल डालने के लिए। अब इनमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, और ये टॉयलेट, और ये कलोन, और ये परफ्यूम, फिर परफ्यूम होती है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे इसलिए बनाए गए हैं नाम कि आपको पता चल जाए कि उसमें जो एक्चुअल फ्रेग्रेंस है, जो एक्चुअल स्मेल है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो इन जनरल EDC, EDT, EBP और परफ्यूम जो होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो मतलब कि वो ज्यादा टाइम तक आपकी बॉडी पे स्मेल रहेगी। क्योंकि परफ्यूम बनती है ऐसे है कि एक बेस लेते हैं जो कि अल्कोहल वगैरह कुछ होता है, एंड उसके अंदर फिर वो जो स्मेल होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है, उस चीज का कोई ऑयल वगैरह कुछ डालते हैं। तो जितना ज्यादा वो ऑयल वगैरह होगा जो एक्चुअल में स्मेल दे रहा है, जितना ज्यादा वो होगा उतनी ज्यादा स्मेल आएगी आप में से। अब मैं आपको बताऊंगा कि परफ्यूम काम कैसे करती है, तो मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना सा आप समझ लो कि हर फ्रेग्रेंस के ना दो टाइप के मोटे मोटे नोट्स होते हैं। नोट मतलब जिस टाइप की आपको या जिस फील की आपको उसमें से स्मेल आ रही है। एक होता है टॉप नोट, जैसे अगर आपको उसमें से एकदम से दालचीनी की स्मेल आ गई तो वो सिनेमन नोट है, या ऐसे आपको थोड़ी नींबू संतरे टाइप की स्मेल आई तो मतलब कि वो सिट्रस नोट है। तो जो मेन दो टाइप के नोट होते हैं वो होते हैं, एक तो टॉप नोट, मतलब कि परफ्यूम या फ्रेग्रेंस लगाने के शुरू के आधे पौने घंटे में एक अलग सी स्मेल रहती है, एंड उसके बाद आता है मिड नोट और बेस नोट, उसको आप एक ही कैटेगरी मान लो। बेसिकली वो नोट्स हैं या वो स्मेल है जो आपके परफ्यूम लगाने के एक घंटे के बाद आगे के घंटों तक चलती है। तो ये जो नोट्स होते हैं, जो अलग अलग स्मेल होती हैं, वो आपको हेल्प करती है ये समझने के लिए कि इस फ्रेग्रेंस में या इस परफ्यूम में किस अलग अलग इंग्रेडिएंट की स्मेल है, जिसे आप ये जज कर पाते हो कि आपको वो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो ये जो नोट्स होते हैं ना, उनकी एक कैटेगरी भी होती है कि मतलब ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए इन चीजों को समझना। तो बेसिक जो तीन कैटेगरीज होती हैं वो है फ्रूटी, फ्रूटी मतलब आपको थोड़ी मीठी मीठी सी स्मेल आती है उसमें से। दूसरी है सिट्रस, मतलब वो थोड़ी जो कूल टाइप की स्मेल होती है ना, एकदम मिंट वाली, जैसे सेंटर फ्रेश वाली स्मेल होती है, या फिर नींबू वाली स्मेल होती है। एंड तीसरा बेसिक नोट है वुडी, वुडी का मतलब है कि थोड़ी सी अगर ऐसे आप मानो कि बारिश हुई है और आप पेड़ों के आसपास जाके स्मेल करते हो तो एक स्पेसिफिक स्मेल आती है ना, वो वुडी है। ठीक है, तो अब आते हैं कि आपको कैसे खरीदनी है। देखो फैशन की तरह जैसे ट्रेंड्स आते हैं, वैसे ऐसे स्मेल में कुछ खास एकदम से ट्रेंड्स नहीं आते। तो आपको एक बार में इन्वेस्ट करना है किसी अच्छी कलोन में या किसी अच्छी फ्रेग्रेंस में। एंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, तो फिर वैसे होनी चाहिए जो आपको बहुत अच्छी स्मेल लगे, क्योंकि आपको रोज लगानी है यार, वो आप रोज अच्छा फील करना चाहते हो। एंड अगर आपको नहीं समझ आता कि भाई कौन सी स्मेल अच्छी होती है, कौन सी गंदी होती है, आपको इतनी फील नहीं आती स्मेल में, तो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी कोई फीमेल फ्रेंड या फिर अपनी मम्मी, अपनी बहन या किसी भी लड़की से पूछ लो, क्योंकि उनकी स्मेल का सेंस बहुत अच्छा होता है। एक और पॉइंट ये है कि यार देखो, सबका नाक डिफरेंट होता है, सबकी स्मेल का सेंस थोड़ा थोड़ा अलग होता है, एंड इसीलिए सबका टेस्ट अलग होता है यार। किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा। ऊपर से जो भी आप परफ्यूम या फ्रेग्रेंस वगैरह लगा रहे हो, उसकी जो स्मेल है ना, वो आपके बॉडी ओडर से भी मिलती है। आपने अगर कोई शैम्पू लगाया था, उससे जो स्मेल आ रही है उसके साथ भी मिलती है। किसी बॉडी वॉश से नहाए हो, उसकी स्मेल आ रही है, उससे भी मिलती है। फिर उसके बाद जो आपने कोई क्रीम व्रीम लगाई है, उससे भी मिलती है। तो ये सारी स्मेल्स मिलके एक टोटल स्मेल बनती है आपकी। तो इसीलिए सबकी स्मेल एकदम अलग आती है, चाहे वो सेम फ्रेग्रेंस भी लगा रहे हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन। आपको शुरू में ना ट्राई करना पड़ेगा कुछ अलग अलग परफ्यूम्स या कलोन्स के साथ, ताकि आपको पता चले कि आप पे बेस्ट कौन सी लग रही है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप ऐसा कर सकते हो कि स्टार्टिंग में जो भी आप परफ्यूम या कलोन ले रहे हो,
वो छोटा वाला लो, मतलब ऐसे 10-15 ml वाली लो। तो जनरली जैसे बड़ी बड़ी परफ्यूम्स आती है ना, उनके एक छोटे वर्जन भी आते हैं जो कि सेम ब्रांड से शायद आपको नहीं मिल पाएंगे, बट कुछ वेबसाइट्स हैं जो उनका जो उनके डिकैंटर्स बेचती है। डिकैंटर्स मतलब कि अगर जनरली बॉटल 100 ml की दे रहा है कोई अच्छी फ्रेग्रेंस बनाने वाला, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो उस 100 ml की जगह उसको एक छोटे से 10 ml के डिकैंटर में डाल के दे देंगी आपको, तो आप वो 10 ml ट्राई कर पाओगे। आपको सस्ता भी पड़ेगा ट्राई करना, एंड अगर आपको नहीं पसंद आई तो फिर कोई और ट्राई कर लो, पसंद आ गई तो उसकी बड़ी बॉटल ले लो। अब खरीदते हुए आपको ये भी ध्यान रखना कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। पहली बात तो ये मैं आपको बोलूंगा कि आपको डेफिनेटली दो अलग टाइप की कलोन्स होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप सुबह वाली अलग रख पाओ और शाम वाली अलग रख पाओ। मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सुबह आप थोड़ी सी ना फ्रेश टाइप की स्मेल चाहते हो खुद में से, और शाम को आप चाहते हो थोड़ी सी सेक्सी टाइप की स्मेल, क्योंकि सुबह जाते हैं या तो ऑफिस या कॉलेज या स्कूल वगैरह, जिसके अंदर आप एकदम फ्रेश स्मेल करना चाहते हो। तो जो मैंने आपको नोट्स बताए थे वो होने चाहिए सिट्रस या फिर फ्रूटी। एंड शाम को हम जनरली कहीं घूमने जाते हैं या किसी डेट पे जाते हैं या किसी पार्टी पे जाते हैं, तो वहां पे थोड़ी सेक्सी स्मेल करना, थोड़ा सा हैवी स्मेल करना, तो इसलिए जो मैंने आपको नोट्स बताए थे वो होने चाहिए वुडी या फिर फ्रूटी। और शाम को आपकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी मस्की होनी चाहिए। मस्की मतलब आप मान लो थोड़ी सी डीप, मतलब थोड़ी सी गहरी स्मेल है। यार नेक्स्ट पॉइंट ये कि कलोन ऐसी चीज है कि अगर आप सस्ती वाली लोगे ना, तो उस टाइम पे जब आप दुकान से ऐसे सस्ती वाली ले रहे होगे 100-150 रुपए वाली, आप उसको स्मेल करके देखोगे, शायद आप कहोगे कि हाँ ये तो अच्छी स्मेल है, लेकिन वो इतनी घटिया क्वालिटी की होगी कि ज्यादा टाइम रहेगी नहीं स्मेल आपके ऊपर बिल्कुल भी। एंड दूसरी चीज, क्योंकि वो घटिया क्वालिटी की है और वो टेस्टेड नहीं है, तो जब आप स्किन पे लगाओगे आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है, आपको रैशेज हो सकते हैं। एंड इसीलिए ना आपको अनब्रांडेड वाली लेनी चाहिए और ना ही आपको किसी अच्छी परफ्यूम की कॉपी लेनी चाहिए। अब मैं मानता हूं कि सबके पास 5-6 हज़ार रुपए या उससे ज्यादा नहीं होते हैं स्पेंड करने के लिए एक बॉटल पर, लेकिन आप तब भी चाहते हो कि आपको एकदम प्रीमियम स्मेल करना है, इसलिए आप ले सकते हो एक चीज जिसे कहते हैं क्लोन्स। तो कुछ कंपनीज होती हैं जैसे कि आर्माफ और ज़ारा भी, जो क्या करते हैं बड़ी बड़ी जो परफ्यूम्स होती हैं जो दुनिया में बहुत फेमस है, जैसे कि क्रीड एवेंटर्स वगैरह, वो क्या करते हैं उनकी स्मेल से ऑलमोस्ट डिट्टो कॉपी मैचिंग एक स्मेल बनाते हैं और अपने एक परफ्यूम निकाल के बेचते हैं, और उनको कहते हैं क्लोन्स। तो ये जो वर्ल्ड फेमस परफ्यूम्स के जो क्लोन्स बनते हैं ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। जैसे आर्माफ आपको 1.5 से 2 हज़ार के बीच में बहुत अच्छे क्लोन्स निकाल के देता है दुनिया के सबसे फेमस परफ्यूम्स के। अब वर्ल्ड फेमस परफ्यूम्स के क्लोन्स लेने का ये फायदा है कि आपको पता है कि एक रीजन से वो परफ्यूम्स वर्ल्ड फेमस है। पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम लड़कों को परफ्यूम्स पसंद है उनके अगर आप क्लोन्स लोगे तो वो बहुत सेफ चीज है लेना, क्योंकि आपको पता है कि ये अच्छी ही होगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप होजे जुनिगा और एलेक्स कॉस्टा वगैरह देखते हो तो वो अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा क्रीड एवेंटर्स को मेंशन करते हैं, उनकी वन ऑफ द एब्सोल्यूट फेवरेट परफ्यूम्स है, वो है एक्चुअल में इंडिया में 30-35 हज़ार की। मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं 30-35 हज़ार खर्चूं, तो मैं उसके पायरेटेड वर्जन नहीं खरीदूंगा, वो इलीगल है। मैं खरीदूंगा आर्माफ की एक आती है क्लब डे न्यूई इंटेंस, वो डिट्टो कॉपी मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही स्मेल करती है, 85-90% वैसा ही स्मेल करती है, और वो सिर्फ और सिर्फ 1800 में मिल जाएगी। एनीवे मैं अपने ब्रांड रिकमेंडेशंस पे भी आऊंगा, पहले आपको मैं रूल्स बता दूं लगाने के, इससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, 5000 लाइक्स करवा दो, यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब आते हैं उन रूल्स पर जो आपको फॉलो करने हैं परफ्यूम लगाते हुए। सबसे पहली बात, आपको परफ्यूम अपने स्किन पे लगाना प्रेफर करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी पे ना कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनका टेम्परेचर बाकी एरिया से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे कि नेक का ये वाला पार्ट हो गया, जैसे कि आपकी रिस्ट का ये वाला पार्ट हो गया, जैसे कि आपका वो वाला पार्ट हो गया। तो क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है जब आप इनके ऊपर फ्रेग्रेंस लगाते हो, क्योंकि फ्रेग्रेंस में अल्कोहल है, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। तो अगर आपने यहाँ लगाई अपनी नेक पे तो वहां से इवेपोरेट होनी शुरू हो जाएगी वो, तो आप कहीं पर भी जाओगे तो वो परफ्यूम धीरे धीरे इवेपोरेट होती रहेगी ताकि उसकी स्मेल बाहर निकलती रहे, लोगों तक पहुंचती रहे। लेकिन अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह है अपनी स्किन पे, और किसी भी फ्रेग्रेंस से हो ही जाती एलर्जी, तो आप कपड़ों पे लगा सकते हो। बट मैं कहूंगा कपड़ों पे आपको इसलिए नहीं लगानी चाहिए क्योंकि यार कपड़ों से एक तो इवेपोरेट नहीं हो पाएगी, तो उतनी तेज स्मेल नहीं आएगी, तो आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। ऊपर से कुछ कुछ कपड़ों पे परफ्यूम से ना दाग भी आ जाता है। अब आपको एक्चुअल में लगानी कितनी चाहिए वो इस पर डिपेंड करता है कि आप परफ्यूम या फ्रेग्रेंस लगाने के बाद बाहर रहने वाले, आउटडोर्स रहने वाले हो या फिर किसी एनक्लोज एरिया में रहने वाले हो, मतलब इंडोर्स रहने वाले हो। तो अगर इंडोर्स रहने वाले हो तो मेरे हिसाब से आप 4 स्प्रेज लगा सकते हो अपनी बॉडी पे, 2 नेक पे, 1 नेक के पीछे और 1 बार रिस्ट पे। इसे क्या होगा, आप इंडोर्स में हो, किसी से पास आके मिलते हो, किसी से हग वग करते हो लड़की को, तो उसको स्मेल बहुत अच्छी आएगी आपसे। और अगर आउटडोर्स जा रहे हो तो 6 स्प्रेज कर सकते हो, मतलब एक चेस्ट पे एक्स्ट्रा मार लेना और अपनी एल्बोज के अंदर वाले पार्ट पे भी मार सकते हो। एक बात याद रखना, जब आप रिस्ट पे लगाते हो तो उसको बस लगा के टैप करना है एक दूसरे को, उसको घिसना मत शुरू कर देना, उससे परफ्यूम ही डीएक्टिवेट हो जाता है। और एक और बेवकूफी जो मैं लोगों को करते हुए देखता हूँ कि वो स्प्रे करते हैं हवा में अपनी परफ्यूम को और उसके थ्रू फिर चल जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी बॉडी पे परफ्यूम लग गई सारी। एक तो उससे आधी ज्यादा परफ्यूम वेस्ट हो जाती है, जमीन पे गिर जाती है। दूसरी बात ये है कि उसमें बहुत सारी परफ्यूम आपके कपड़ों पे लग जाती है। देखो, आपको परफ्यूम ऐसे लगानी है कि आपको भी अच्छा लगे और बाकियों को भी अच्छा लगे। परफ्यूम की ना एक प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन का मतलब कि कितने दूर तक लोग आपको स्मेल कर पा रहे हैं। तो जो आपका सेंट बबल है, सेंट बबल मतलब कि भाई आपके आसपास का एरिया
जिसके अंदर अगर कोई आए तो उसको आपके परफ्यूम की स्मेल आएगी, अगर उस एरिया में नहीं है तो नहीं आएगी। तो ये जो सेंट बबल है ये ना मीडियम रेंज का होना चाहिए, मतलब आप मानो कि आप क्लास में बैठे हो तो आपकी वो बहुत प्यारी सी परफ्यूम की स्मेल आगे बैठी हुई लड़की को आए, लेकिन आपकी टीचर को ना आ रही हो जो बोर्ड पे पढ़ा रही है, या फिर आपकी ऑफिस की कोलीग को है जो आपके साइड में बैठी है या सामने बैठी है, लेकिन ये नहीं आपके सीईओ के रूम तक मतलब खुशबू जा रही है। वैसे ऑफिस ड्रेसिंग के ऊपर भी वीडियो चाहिए क्या, बता देना मेरे को कमेंट्स में। फंडे डिस्कस हो गए, मैं आपको बता देता हूँ कि बजट के अंदर बेस्ट परफ्यूम्स कौन सी हैं। बजट से मेरा मतलब है 1000 रुपए के आसपास वाली 100 ml की परफ्यूम जो कि चलेगी आपको करीब 10 महीने से लेके 1 साल तक। अब मुझे पता है कि सबका टेस्ट अलग होता है, बट मैं इनको अच्छी परफ्यूम्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया में सबको ये पसंद है, और ऑनलाइन जितना मैंने रिव्यूज देखे हैं, जितने लोगों को बात करते हुए सुना है, तो सबको ये चीजें पसंद है। लेकिन हाँ, क्योंकि आपकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, तो कोई भी परफ्यूम लेने से पहले ना उसकी वेबसाइट पे जाके, या फिर कुछ ऐसी भी वेबसाइट होती हैं जो हर परफ्यूम के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं, उन वेबसाइट्स पे जाके एक बार ये देख लो कि इसमें किस किस चीज की स्मेल है। अब समझ लो आपको दालचीनी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वहां पे अगर सिनेमन नोट लिखा हुआ है तो मत लो। मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन है आरमाफ का कोई भी क्लोन ले लो। अब मैं जानता हूं कि ये 1000 का नहीं है, ये 1500-1800 के करीब का आएगा, लेकिन बिलीव मी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एक आरमाफ का टैग हिम आता है जो कि मैं अपनी डे की परफ्यूम में यूज करता हूं, मैं सुबह ऑफिस वगैरह जाना होता है तो मैं यही लगाता हूं। वो एक्चुअल में क्लोन है, एक शनेल की परफ्यूम आती है ब्लॉ डे शनेल या ब्लू डे शनेल, मतलब मेरे को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, उनकी अजीब सी होती है, बट वो एकदम उसका क्लोन है और बहुत अच्छा क्लोन है, ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही स्मेल करता है। तो सोचो शनेल की 10-15 हज़ार की परफ्यूम मेरे को सिर्फ 1800-1500 रुपए में मिल रही है, 10 गुना कम प्राइस में। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक और जो आरमाफ की मैंने आपको बताई थी, क्रीड एवेंटस का जो क्लोन है क्लब डे नुई, उसका भी मैं डाल दूंगा। दूसरा ब्रांड है ज़ारा, अगर आप कभी ज़ारा के स्टोर्स में जाते हो तो उनकी परफ्यूम्स वहां पड़ी होती हैं, तो जो भी उनकी परफ्यूम कोई क्लोन है किसी एक बड़ी परफ्यूम का वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके लिए पॉसिबल है ना, तो आप डेफिनेटली किसी मॉल वगैरह में जाके वहां पे परफ्यूम्स ट्राई करके एक बार देख लो, क्योंकि उससे आपको ना एक बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। लेकिन वहां पे भी एक दिक्कत है, जब आप वहां पे ट्राई करोगे तो आपको सिर्फ, जो मैंने बताया था ना, टॉप नोट, आपको सिर्फ टॉप नोट स्मेल करने को मिलेगा, मतलब कि जो शुरू के 1.5 घंटे या 1 घंटे की स्मेल होती है, उसके बाद वाला आपको नहीं पता चल पाएगा क्योंकि आप वहां पे घंटों तो खड़े नहीं रहोगे सारी परफ्यूम टेस्ट करने के लिए। एनीवे, मेरा थर्ड रिकमेंडेशन है जो एक्चुअल में शायद मेरा फेवरेट है, स्किन एक ब्रांड है टाइटन का। ये मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, बहुत बजट में भी बनाते हैं, लेकिन इनकी बेस्ट बात यह है कि बहुत छोटी छोटी 30-30 ml वाली बॉटल्स भी निकालते हैं, जो कि बेस्ट है, क्योंकि अगर मैं एक बार उसको यूज करना शुरू करूं, मैं बोर हो गया तो बढ़िया है, खत्म हो गई, या फिर मुझे पसंद आई तो मैं और ले लूंगा, या फिर मुझे पसंद नहीं आई तो मेरा इतना सा ही एक्सपेंडिचर हुआ। ऊपर से छोटी है तो ये इजी टू कैरी है, तो एक्चुअली जब भी मैं ट्रैवल करता हूं तो स्किन वाली ही लेकर जाता हूं अपनी। और ऊपर से ना काफी लॉन्ग लास्टिंग है, तो लंबा चलती है ये, मतलब आप मान लो 8 घंटे के करीब इसकी स्मेल आती है, जो कि इनफ है। अगर मैं सुबह लगा के निकल रहा हूं तो मैं शाम तक अच्छा ही स्मेल करूंगा। अब आते हैं कि अगर आपकी बजट और भी कम है तो कुछ ब्रांड्स हैं जो 600-700 में अच्छी परफ्यूम्स बनाते हैं। जो मैंने ट्राई करी हुई है वो है, एक बियर्डो की ट्राई करी हुई है, मेरे ऑफिस में आई थी तो मैंने ट्राई करी थी काफी सारी लगा के, बियर्डो की और उस्तरा की, ये दोनों ब्रांड्स मैंने ट्राई करी हुई है। इनकी जो अच्छी अच्छी वाली है, एक्चुअली दो ही है दोनों की जो अच्छी है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। अब आते हैं कि अगर आपके पास 4-5 हज़ार की बजट है, तो मैं फ्रैंकली बोलूंगा, जेन्युइनली, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो बेस्ट परफ्यूम्स इन 5000 रुपीज, तो आपको काफी सारे रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। तो 4-5 हज़ार की रेंज में मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। वो है, पहली है ह्यूगो बॉस की XY डेली यूज़ के लिए, मतलब ये बहुत सिंपल सी परफ्यूम है, बहुत अच्छा स्मेल करती है लेकिन सिंपल है एकदम, ऐसे कोई क्रेजी वाला नहीं है, तो मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। ये करीब 4-5 हज़ार की है, 100 ml के लिए, मेरे को गिफ्ट में मिली थी। एंड दूसरी जो एक्चुअल में शायद मेरी फेवरेट परफ्यूम है, वो है बल्गारी की एक्वा मारा। ये बहुत हैवी परफ्यूम है, तो ये रात को पार्टीज के लिए, या फिर एक्चुअली मेरी ये परफ्यूम फेवरेट इसलिए है क्योंकि जब भी मैं किसी डेट पे इसको लगा के गया हूँ, मेरे को हमेशा लड़की ने बोला है कि यू स्मेल ग्रेट, हमेशा, मतलब आज तक, आई प्रॉमिस, आज तक ऐसा नहीं होगा कि किसी ने ऐसा नहीं बोला, तो इसलिए मेरी फेवरेट है। बट डेट्स एंड पार्टीज पे लगाने के लिए और भी बहुत परफ्यूम्स हैं जो बहुत बढ़िया हैं बजट वाली, उन पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 7000 लाइक कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सब्सक्राइबर तो होना ही पड़ेगा, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आपको किस टाइप की परफ्यूम पसंद है। आपको थोड़ी सी स्पोर्टी स्मेल वाली पसंद है या फिर थोड़ी पार्टी स्मेल वाली पसंद है? एंड दैट्स इट। तो गिव अवे के लिए ऑल द बेस्ट, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट एंड स्मेल योर बेस्ट ऑल्सो।